दोस्तों आज हम एक ऐसा गेम लेके आए हैं जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आज उसको हम बनाने वाले हैं आसान पूरे रूल्स के साथ में। हेलो दोस्तों, आज हमने मंगाया है उनो गेम, तो हम सीखेंगे कि सही तरीके से उनो कैसे खेला जाता है। तो इसलिए हमने मेटल गेम्स के ऑफिशियल ये कार्ड्स मंगाए हैं। तो दोस्तों कैसे हो, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नई नई गेम्स, टॉयज और गैजेट्स की अनबॉक्सिंग। तो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं ओपन। तो 2 से लेकर 10 प्लेयर तक खेल सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं तो 7+ है। प्राइस की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस पे 149 लिखे हुए हैं। मैं इसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें मिली हैं 2 गड्डियां जिनमें 112 कार्ड्स हैं। तो दोस्तों हमने उनो गेम को बहुत ही सिंपल बना लिया है इस तरीके से इसको शो करवा के, तो इससे हमें बहुत आसानी रहेगी गेम को समझने में, जिनको ये गेम बहुत ही हार्ड लगता है। इसके अंदर होते हैं टोटल 112 कार्ड, तो हमने इसको सबको अलग अलग कर लिया है। 4 तरीके के इसके अंदर कलर होते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू और येलो। तो हम देख रहे हैं कि ग्रीन के अंदर जो इसके कार्ड हैं वो 0 से लेकर 9 तक हैं। फिर उसके बाद आते हैं एक्शन कार्ड जो हमारे पास में है, +2, रिवर्स और स्किप कार्ड। जो 0 वाला कार्ड है ये सिर्फ 1 कार्ड है, बाकी इसके अलावा जितने भी कार्ड हैं सब 2-2 कार्ड हैं। तो इसी तरीके से सभी कलर्स के अंदर है। हम फिर इसके बाद देख लेते हैं वाइल्ड कार्ड को। दोस्तों इन कार्ड्स को वाइल्ड कार्ड इसलिए कहते हैं कि ये गेम के अंदर कभी भी कलर चेंज करा सकते हैं। तो ये जो वाइल्ड कार्ड है ये 4 दिए हुए हैं हमको, और ये जो +4 वाले वाइल्ड कार्ड है ये भी हमको 4 दिए गए हैं। इसके अलावा ये होता है वाइल्ड शफल्ड कार्ड, और ब्लैंक कार्ड है जो हमारे पास 3 आते हैं। हम गेम में जितने चाहें उतने शामिल कर सकते हैं, हम चाहें तो 1 भी रखें और हम चाहें तो 3 भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें रूल कहाँ से लिखने हैं, रूल हम हमारी मर्जी से भी बना सकते हैं। और हमारी मदद के लिए जो उनो की ऑफिशियल गाइडलाइन है उसमें हमारे पास 10 रूल दिए गए हैं, हम उनसे भी ले सकते हैं। तो जैसे इसके अंदर हम लिख सकते हैं टेक एन एक्स्ट्रा टर्न, तो प्लेयर को दोबारा टर्न मिलेगा चलने का। या फिर हम कोई जोक वगैरह ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि जब तक कोई भी किसी को कुछ सजा तौर पर देनी हो तो वो भी हम इसके ऊपर लिख कर दे सकते हैं। तो यह हमारी पेंसिल रही। लिख लिया है पेंसिल की मदद से जो इनके एक्शन कार्ड है और जो वाइल्ड कार्ड है। समझने के लिए हम गेम के बीच में ही इनको समझेंगे तो ये हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे पहले कोई भी एक प्लेयर पत्तों को शफल कर लेगा। हमारे यहाँ प्लेयर 1 शफल कर रहा है, हम पत्तों को शफल कर लेते हैं। तो इस गेम को 2 से लेकर 10 प्लेयर तक खेल सकते हैं। तो अभी हम 4 प्लेयर इस गेम को खेल रहे हैं। कितने भी प्लेयर खेले हमें सभी प्लेयर्स को साथ साथ पत्ते दे देने हैं। तो इसमें जो पत्ते बटते हैं वो लेफ्ट साइड से बटते हैं, तो हमने यहाँ से बांटना स्टार्ट कर दिया। और ये जो हमारे बचे पत्ते हैं इनको बोलते हैं हम ड्रॉ पाइल, तो इसे हम गेम में बीच में रख देंगे। तो जो ऊपर का कार्ड होगा वो हम इसे खोल देंगे, और खोलने के बाद इसको बोलते हैं हम डिस्कार्ड पाइल, इसे हम साइड में रख देंगे। यदि ड्रॉ पाइल से सबसे पहला पत्ता ही +4 खुल जाता है तो इस पत्ते को हम वापस रख देते हैं, और फिर इसको हम दोबारा गड्डी को शफल करते हैं, और शफल करने के बाद में जो पत्ता आएगा वो हम इसके अंदर रखते हैं। ये हमारा खुला है 7। अब हम पत्तों को उठा लेते हैं। अब बारी है सबसे पहले लेफ्ट वाले प्लेयर की। तो लेफ्ट वाला प्लेयर हमारे यहाँ +4 है, तो अब उसे चलना क्या है। प्लेयर के पास हमेशा 3 ऑप्शन होते हैं चलने के लिए। या तो वो, जैसे अगर इस पे येलो चल रहा है तो वो येलो कलर का कोई पत्ता चले तो उसके पास 3 येलो कलर के पत्ते हैं, उनमें से कोई एक चल दे। या फिर वो इसका जो नंबर होता है 7, जैसे इस पे नंबर है 7, तो अगर उसके पास 7 नंबर का कोई भी कार्ड हो किसी भी कलर का तो वो चल सकता है। यह तीसरा ऑप्शन उसके पास होता है कि यदि उसके पास वाइल्ड कार्ड है तो वो वाइल्ड कार्ड चल सकता है। तो अब प्लेयर के पास में हम देख रहे हैं कि इसके पास येलो कलर के कार्ड हैं और इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो येलो में भी उसके पास एक्शन कार्ड है और सिंपल कार्ड है। तो यदि अभी हम सिंपल कार्ड चलते हैं, बाद में हम एक्शन कार्ड चल लेंगे। तो ये चल दिया उसने। ऐसे ही नेक्स्ट जो प्लेयर है, दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना है कि हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए हम ये पत्ते दिखा रहे हैं, नहीं तो किसी भी प्लेयर को अपने पत्ते दूसरे प्लेयर को नहीं दिखाने हैं। तो अब हम देख रहे हैं प्लेयर के पास भी येलो कलर है तो वो इसके ऊपर येलो कलर चल देगा। इस गेम के अंदर प्लेयर्स को अपने पत्ते खत्म करने होते हैं, इसलिए हम कोशिश यही करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा इसमें पत्ते चल सकें। अब हम देख रहे हैं ये जो प्लेयर बने के पास में येलो कलर भी नहीं है, ना 3 का पत्ता है, ना ही कोई वाइल्ड कार्ड है इसके पास में। अब ये जो प्लेयर है, हमारे पास ड्रॉ पाइल है, इससे इसको एक पत्ता उठाना पड़ेगा। और उठाने के बाद तो अगर ये पत्ता चलने लायक होता है तो वो चल सकते इस पत्ते को, और यदि वो चाहे तो नहीं भी चल सकता है। प्लेयर्स को तो अपने पत्ते खत्म करने हैं इसलिए वो इसके ऊपर येलो के ऊपर येलो चल देगा। अब प्लेयर के पास में क्या ऑप्शन है, वो येलो चल सकता है, उसके पास येलो में एक्शन कार्ड है उसके पास। तो इस एक्शन कार्ड को हम बोलते हैं रिवर्स। तो रिवर्स का मतलब ये होता है कि जो गेम चल रहा है हमारा क्लॉकवाइज,
इसको चलते ही गेम हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे देखो अभी इस प्लेयर ने इसको चला, अब चलने के बाद में अब नंबर आना चाहिए था प्लेयर थ्री का, लेकिन अब नंबर आएगा प्लेयर वन का, क्योंकि गेम का जो सिक्वेंस है वो चेंज हो गया है। तो अब वापिस से प्लेयर वन की बारी है। अब प्लेयर वन क्या क्या चल सकता है, जब नंबर था तो नंबर हम देख लेते थे, अब प्लेयर चल सकता है या तो कलर येलो कलर चल सकता है, या फिर वो चल सकता है कि उसके पास ही रिवर्स का ही यदि कार्ड हो तो वो चल सकता है वो, या वाइल्ड कार्ड चल सकता है। तो उसके पास तीनों ही चीज़ नहीं है, तो प्लेयर वन को कार्ड उठाना पड़ेगा। प्लेयर वन ने कार्ड उठाया, उसके पास में नौ आया जो भी ग्रीन कलर का। तो अब जैसे प्लेयर के पास चलने को नहीं है तो अब नेक्स्ट प्लेयर की बारी आएगी। अब नेक्स्ट प्लेयर का हम देखते हैं, येलो कलर का कोई पत्ता नहीं है, फिर पत्ता उठाना पड़ेगा, तो पत्ता उठाने पर आया वाइल्ड कार्ड। अब इस वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है कि अब प्लेयर कोई भी कलर चेंज करा सकता है और इस पत्ते को तो चल ही सकता है। तो प्लेयर इस पत्ते को चल देगा और चलने के साथ ही अब उसके पास में जैसे रेड कलर के ज़्यादा पत्ते हैं तो वो चाहेगा कि अब गेम का जो कलर है वो रेड हो जाए, तो वो अब बोलता है कि कलर चेंज टू बी रेड। अब जो नेक्स्ट प्लेयर है, प्लेयर नंबर तीन है, तो उसके पास में रेड कलर का पत्ता है, प्लेयर का है प्लस टू का एक्शन कार्ड। अब इसका क्या मतलब होता है, जो हमारे पास तीन एक्शन कार्ड होते हैं उनमें से ये दूसरा एक्शन कार्ड है। प्लस टू चलते ही जो उसका नेक्स्ट जो प्लेयर है उसको दो कार्ड अपने ड्रॉ पाइल में से उठाने पड़ेंगे, तो वो दो कार्ड ड्रॉ पाइल में से उठाएगा और उसका नंबर भी स्किप हो जाएगा। अब बारी आती है प्लेयर वन की, उसके पास रेड का कार्ड है, तो रेड में वो कार्ड चलता है ये वाला जिसे बोलते हैं हम स्किप कार्ड। तो ये लास्ट एक्शन कार्ड है, तो ये जब वो चल देगा तो इसका चलने का मतलब होता है कि जो नेक्स्ट प्लेयर है उसका नंबर स्किप हो जाएगा, मतलब अब इसका नंबर नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले प्लेयर का नंबर आएगा। तो अब नेक्स्ट वाला प्लेयर का नंबर आ गया, तो हम देख रहे हैं कि इसके पास में रेड कलर नहीं है ना स्किप का कार्ड है, लेकिन इसके पास में एक वाइल्ड कार्ड है प्लस फोर का। प्लेयर थ्री ने ये वाइल्ड कार्ड चल दिया है। अब इस वाइल्ड कार्ड की कुछ शर्तें होती हैं, तो हम पहली शर्त हम देख लेते हैं, प्लेयर के पास में चलने वाला पत्ता नहीं होना चाहिए, जैसे कि उसके पास में रेड और स्किप दोनों नहीं थे तभी वो इस पत्ते को चल पाया। दूसरा, प्लेयर इससे कलर चेंज कराएगा, तो कलर चेंज करा दिया उसने ग्रीन, क्योंकि उसके पास ग्रीन के सबसे ज्यादा पत्ते हैं, तो प्लेयर फोर को ड्रॉ पाइल में से अपने लिए चार पत्ते उठाने पड़ेंगे। प्लस फोर का एक मजेदार रूल है कि जिस प्लेयर को ये पत्ते उठाने पड़ेंगे वो उस प्लेयर को चैलेंज कर सकता है जिसने प्लस फोर चला है कि उसने कंडीशन फुलफिल की या नहीं की, कि कहीं उसने ऐसा तो नहीं है कि उसके पास में रेड कलर था या फिर स्किप का कार्ड था उसने तब भी इस कार्ड को चल दिया। यदि वो प्लेयर फोर प्लेयर थ्री को चैलेंज करता है कि आपने ये गलत चला है, प्लेयर थ्री को सारे अपने पत्ते दिखाने पड़ेंगे प्लेयर फोर को, और उसकी गलती पकड़ी जाती है, जो चार पत्ते उठाएगा वो प्लेयर थ्री ही उठाएगा जिसने वो कार्ड चला है, और यदि उसने सही चलाया है उसकी गलती नहीं है, प्लेयर जो फोर है उसको छह कार्ड उठाने पड़ेंगे। तो इसने इस तरीके का कोई चैलेंज नहीं किया है और इसने सीधे सीधे ही चार पत्ते उठा लिए हैं, और चार पत्ते उठाने के साथ ही इसका जो नंबर है वो भी स्किप होने वाला है। ये चैलेंज सिर्फ वही प्लेयर कर सकता है जिस प्लेयर को पत्ते उठाने हैं। अब बारी आती है वापस से प्लेयर वन की, तो उसने ग्रीन का नौ चल दिया, ग्रीन कलर चल देगा इसके ऊपर। प्लेयर वन के पास येलो भी नहीं है और टू भी नहीं है, तो उसको एक कार्ड उठाना पड़ेगा, तो उसने ये कार्ड उठाया। अब ये कार्ड होता है वाइल्ड शफल हैंड कार्ड। ये प्लेयर इसको चल देगा तो सभी प्लेयर्स के जो पत्ते हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, और इससे क्या होगा कि किसी भी प्लेयर के पास कम पत्ते होंगे या ज़्यादा पत्ते होंगे उससे अब फर्क नहीं पड़ने वाला है, और सभी प्लेयर्स को दोबारा पत्ते मिलेंगे। जिस प्लेयर ने ये पत्ता चलाया है वही शफल करेगा। इसका फायदा ये होता है कि उसे लास्ट में कम पत्ता मिल सकता है। अब जो पत्ते बटने वाले हैं वो तो लेफ्ट साइड में ही बटने वाले हैं, तो पत्ते तो हम बांट देते हैं वापस से। प्लेयर टू के पास पत्ते खत्म हुए, तो प्लेयर वन के पास एक पत्ता कम आया है। गेम उसी डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में चल रहा था, तो गेम हमारा चल रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो गेम अभी वहीं चलेगा। तो सभी प्लेयर्स अपने अपने पत्ते देख लेंगे, क्योंकि ये कार्ड वाइल्ड कार्ड है, उसको बोलना पड़ेगा। जैसे प्लेयर वन ने बोल दिया रेड कलर, तो प्लेयर टू को रेड कलर चलना है, तो उसके पास रेड कलर के तीन पत्ते हैं, तो उसने ये चल दिया है नौ। तो गेम खेलते खेलते इस कंडीशन पे गेम आ गया है, तो इस गेम के अंदर एक लास्ट रूल बचा है कि प्लेयर वन की बारी है चलने की, तो वो इसके ऊपर ब्लू है उसके पास, तो ब्लू के ऊपर ब्लू चल देगा। अब जैसे ही उसके पास में लास्ट पत्ता बचेगा उसे बोलना है उनो। ये बोलना बहुत ही जरूरी है कि उसके इसका मतलब उनो का मतलब होता है एक पत्ता, तो इसका मतलब सभी प्लेयर्स को पता चल जाएगा कि इस प्लेयर के पास में सिर्फ अब एक पत्ता बचा है और ये गेम को जीतने वाला है। यदि प्लेयर उनो बोलना भूल जाता है और कोई दूसरा प्लेयर इस बात को नोटिस कर लेता है कि इसके पास एक ही पत्ता है, तो दूसरा प्लेयर उस प्लेयर को टोक देगा जिसके पास में एक पत्ता बचा है, और उसे ड्रॉ पाइल के अंदर से दो पत्ते उठाने पड़ेंगे एज ए पेनल्टी। इस तरीके से ये चला, फिर इस प्लेयर ने ब्लू के ऊपर ब्लू चल दिया और इसने ब्लू के ऊपर ब्लू चल दिया, और ये यहाँ पे इसने अपना एक चल दिया, तो अब पत्ते खत्म हो गए हैं, तो ये प्लेयर वन गेम को जीत गया है, बाकी प्लेयर गेम को हार गए हैं। दूसरा तरीका ये है कि
सभी प्लेयर्स के पास पत्ते खत्म होते चले जाएंगे और एक ही प्लेयर के पास पत्ते बचेंगे तो वो गेम को हार जाएगा। तो हम स्कोर की तरफ देख लेते हैं कि स्कोर कैसे काउंट करते हैं। ऐसे स्कोर काउंट करना है तो ये सारे प्लेयर्स के पत्ते एक जगह पे हो जाएंगे और ये सारा स्कोर प्लेयर वन को मिलने वाला है। तो जो प्लस टू का कार्ड है उसके पॉइंट्स मिलने वाले हैं 20। तो इस तरीके से जो ड्रॉ टू रिवर्स और स्किप है, तीनों एक्शन कार्ड है, तो इनके 20-20 पॉइंट मिलने वाले हैं। यदि वाइल्ड कार्ड होता है वाइल्ड या वाइल्ड ड्रॉ 4 तो इनके 50-50 पॉइंट मिलेंगे। और यदि वाइल्ड शफल कार्ड शफल हैंड कार्ड है तो उसके 40 पॉइंट्स, और यदि वो कस्टम वाला कार्ड है तो उसके भी 40 पॉइंट मिलने वाले हैं। नंबर कार्ड का स्कोर जितना उस पर लिखा हुआ है उतना ही उसका स्कोर होने वाला है। किसी भी प्लेयर्स के यदि सारे राउंड्स में मिलाकर 500 पॉइंट्स हो जाते हैं तो वो गेम को जीत जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, कमेंट में यस लिख दीजिए। और यदि आपको हमारे वीडियो इसी तरीके से पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।